नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व भारती शांति निकेतन से डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, जो कि वहाँ के शिक्षा विभाग में सह आचार्य हैं, शिक्षा से जुड़ी नीतियों के विशेषज्ञ हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर आशीष जी का हम स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है, विद्यालय प्रबंधन तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। सर्वप्रथम आशीष जी, हम ये जानना चाहते हैं शिक्षार्थियों के माध्यम से कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है और विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका क्या है। जी धन्यवाद डॉक्टर सोमू सिंह जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी संस्थान की सफलता और असफलता काफ़ी हद तक विद्यालय प्रबंधन या उसके प्रबंधन पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। विद्यालय शिक्षा की बात करें तो विद्यालय की सफलता का दारोमदार काफ़ी हद तक विद्यालय प्रबंधन पर है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आने के बाद विद्यालय प्रबंधन को काफ़ी गंभीरता से देखा गया, स्वीकार किया गया और इस प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, की सलाह दी गई। तो विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका क्या है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति की अवधारणा क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विद्यालय में भर्ती बच्चों के माता पिता या अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। ये जो समिति है, इसमें जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम समझने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कहा गया था कि ये आम आदमी को शक्ति देता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो उस शक्ति के तहत माता पिता, अभिभावक और समुदाय के जो लोग हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ही अच्छी तरह से निर्धारित की गई है। और ये जो समिति है, इस समिति को बनाने का जो के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि जो हमारा देश है बहुत ही विशाल है और बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, तो देश की विशाल स्कूल व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना होगा अगर आप इसकी सफलता को चाहते हैं तो। निश्चित रूप से देश की विशाल स्कूल व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना होगा और अगर माता पिता को उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक हितधारकों के रूप में पहचाना जाना है तो उन्हें एक सार्थक तरीके से स्कूलों का प्रबंधन व निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो कारण था, इस कारण के प्रभाव को अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने वालों ने ध्यान में रखा और इसीलिए इनकी भूमिका उसमें तय की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसीलिए ऐसी परिकल्पना करता है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समितियों में बहुमत बनाएंगे, जिसमें पंचायत और स्कूल के शिक्षकों में से चुने हुए सदस्य भी शामिल होंगे। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें जो समिति की संरचना बनाई गई उसमें ये देखा गया कि माता पिता और अभिभावक जो हैं उनकी मेजोरिटी हो और फिर उसके अलावा समुदाय से लोग, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व, छात्रों का प्रतिनिधित्व, ये भी एक सीमा में किया जाए। और ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसकी जो योजना है वो किसी भी तरह से जो अनुदान प्राप्त कर रहे हैं विद्यालय उनके लिए तय की गई। निजी अवित्त पोषित विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति की अनिवार्यता नहीं होगी, ये जो हमारा मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था उसमें इस तरह की बात कही गई थी। हालांकि इसमें एक संशोधन हुआ है अभी और उस संशोधन के बाद अब ये कहा गया कि जो अवित्त पोषित विद्यालय हैं और अल्पसंख्यक संस्थान हैं इनमें भी विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, लेकिन इन विद्यालयों में जो समितियाँ होंगी उन समिति की भूमिका केवल सलाहकार मंडल की होगी, ना कि इंटरवेंशन की होगी। ये दो फर्क समझना ज़रूरी है। जो वित्त पोषित है, किसी भी तरह की अनुदान गौर सरकार से ले रहे हैं, उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, निर्णायक होगी। और जो अवित्त पोषित और अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनमें भी समितियाँ होंगी, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सलाहकार मंडल की होगी। अब हम देखने की कोशिश करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना क्या है। हाँ, निश्चित रूप से शिक्षार्थी अब ये जानना चाहेंगे कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना क्या है और इसमें सदस्य के रूप में कौन कौन लोग इसमें रखे जाते हैं। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे। जी,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब बन रहा था तो ये बात उसमें कही गई कि इसको इसका इसकी एक स्ट्रक्चर्ड संरचना जो है वो दे दी जाए, ताकि विद्यालय और विद्यालय के जो प्रबंधन है वो इसको लेकर के किसी भी तरह की वेग स्थिति में ना रहें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि जो कंपोजिशन होगा उसका, जो फॉर्मेट होगा शिक्षा विद्यालय की प्रबंधन समिति का, उसमें 75% जो लोग होंगे वो माता पिता या अभिभावक में से लिए जाएंगे, और इस 75% लोगों का 50% जो हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। ये काफ़ी सराहनीय बात है इसमें। जी, तो 75% माता पिता अभिभावक होंगे, जिसमें से 50% लोग महिलाएं होंगी, और इन 50% महिलाओं के साथ साथ कोशिश ये करनी होगी कि जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग है, शिक्षा से वंचित वर्ग है, तथा हाशिए पर जो आने वाले लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी विद्यालय प्रबंधन समिति में उचित रूप में हो सके। इसके अलावा जो 25% बचे हुए लोग हैं, उसमें से चुने हुए समुदाय के सदस्य, शिक्षक और छात्र इत्यादि उसमें रह सकते हैं। तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना है। संरचना देखने से एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो समिति है उसको भी विविधतापूर्ण बनाया गया, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है, विभिन्न जाति धर्म समुदाय से लोग इसमें रह रहे हैं। तो ये ध्यान में रखा गया, चूँकि उन्हीं के बच्चे उस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका भी योगदान एक गार्जियन के रूप में, या ये कहें कि एक निर्णायक समिति में सदस्य के रूप में भी सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए महिलाओं की भी उसमें भागीदारी और विभिन्न वंचित समुदाय हैं उनसे भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। जी, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास था इनका। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसके क्या क्या कार्य हैं। जी, ये जो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर आप देखें तो उसकी उसमें जो धारा अनुच्छेद जो 21-2 है, 21-2 में विद्यालय प्रबंधन समिति के जो कार्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो जो मुख्य कार्य हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के, उनको ये कहा जा सकता है, पहला कार्य कहा जा सकता है कि विद्यालय के कामकाज की निगरानी, पूरे कामकाज की निगरानी करना इसका दायित्व होगा। दूसरा ये कहा जा सकता है कि ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी अनुशंसा करना। और ये जो विद्यालय विकास योजना है ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव योजना है, प्लानिंग है, और विद्यालय विकास योजना के तहत स्कूल प्रबंधन के लगभग सारे घटक इस योजना में आ जाते हैं। और तीसरा जो इनका कार्य है वो है उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी करना। जो भी फंडिंग मिल रही है, जो भी अनुदान मिल रहा है, उस अनुदान को सही तरीके से इस विद्यालय में लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है, इस बात की निगरानी करना भी स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य होगा। इसके अलावा जो चौथा इनका काम है वो उसमें कहा गया कि ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए गए हों। तो ये चार मोटा मोटा इनके काम जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। इसमें एक बात जो हमको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो बहुत सशक्त निकाय है, और सशक्त दो कारणों से बनता है ये। एक तो ये क्योंकि इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, एक, और दूसरा इसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। जी, तो विद्यालय प्रबंधन समिति एक सशक्त निकाय है जिसके पास विद्यालय के हित में निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है। तो प्रबंधन को, इसको विद्यालय प्रबंधन समिति की जो अनुशंसाएं हैं, जो इंटरवेंशन हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए विद्यालय विकास योजना तैयार करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जो हमारा जो इस विद्यालय विकास योजना है वो वित्तीय वर्ष के अंत से कम 3 महीने पहले तैयार करना होता है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, विद्यालय विकास योजना स्कूल प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक ऐसी योजना है जिसमें स्कूल प्रबंधन के लगभग सारे घटक उसमें शामिल हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन, तो संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन को हम ऐसे समझ सकते हैं, संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन में सारे हर तरह के संसाधनों का प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, शिक्षक प्रबंधन,
शिक्षक प्रबंधन में आने वाली चुनौतियाँ, छात्र प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन इत्यादि में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि जो विद्यालय प्रबंधन है, इस विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन समिति का संपूर्ण योगदान विद्यालय प्रबंधन समिति का ही रहेगा। एक चीज़ पर हम लोग यहाँ ध्यान खींचना चाहेंगे अपने शिक्षार्थियों का। आपने चर्चा के दौरान कहा कि विद्यालय के काम काज पर जी, तो विद्यालय का जो काम काज है जी, वो पठन पाठन केंद्र में है जी, उसके साथ साथ कई योजनाएं संचालित हो रही हैं जिसमें मध्याह्न भोजन योजना जी, है जी, 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 और भी कई योजनाएं हैं जी, तो क्या ये सभी को देखना, उनके बारे में सोचना जी, इस समिति के दायरे में बिल्कुल आता है? तो इस स्कूल से विद्यालय से जुड़े हुए जितने कार्य हैं, जितना भी काम काज है, उन सब की निगरानी जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसमें पठन पाठन, मूल्यांकन, एडमिशन हाँ ये भी जरूरी, उनका रिटेंशन जी, ये सारी चीज़ें उनकी अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा भी विद्यालय प्रबंधन समिति का भिन्न भिन्न संसाधनों के प्रबंधन के अलावा कुछ निगरानी दायित्व भी हैं। अच्छा, और इन निगरानी दायित्व को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं वो यहाँ पर चर्चा उसकी की जाएगी। जैसे पहला दायित्व ये कहा जा सकता है कि बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से विद्यालय में वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के सभी बच्चों का। तो विद्यालय प्रबंधन समिति को स्कूल के अलावा, विद्यालय के अलावा उनको समाज में भी जाना है, उनको समुदाय में भी जाना है, और वहाँ से ये देखना है, ये इंश्योर करना है, उनकी ये ड्यूटी है, उनको इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा बिना नामांकन के उस समुदाय में, उस समाज में ना हो। और इसको करने की जो प्रोसेस में उस समुदाय के जो वंचित समूह हैं और जो कमजोर वर्ग हैं, उसके सभी बच्चों को विद्यालय में लेकर के आने का दायित्व भी विद्यालय प्रबंधन समिति। इसका तात्पर्य यह है कि जब इस समिति की बैठक होती होगी जी, तो सदस्यों के बीच ये चिंता का विषय रहता होगा कि आखिर नामांकन क्यों कम है जी, इसके कारण खोजे जाएं, हम जा करके गांव में बाकी गांव के जो और सदस्य हैं उनसे मिल करके जानें कि भाई बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह की चर्चाएं होती होंगी जी, जी उस समिति में जी। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है जो हमारे योजनाकार थे, उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रारूप ऐसा ही रखा कि उसमें जो बहुमत है वो माता पिता और अभिभावक बनाएंगे जी, ताकि जो भी समस्याएँ हैं समुदाय की वो उनके माध्यम से विद्यालय में पहुंच पाए। इसके अलावा एक और दायित्व है जिसमें कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति को यह सुनिश्चित करना है कि वंचित समूहों और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के साथ भेदभाव न किया जा सके। महत्वपूर्ण सुझाव है जी जी। और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने से न रोका जा सके। तो उनका नामांकन करना और नामांकन करने के बाद उनके साथ किस तरह का बर्ताव इसको विद्यालय में हो रहा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, इन सारी बातों की निगरानी भी विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति को ये भी तय करना है कि जो कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ, अन्य बच्चे, सारे बच्चे, विशेष करके वंचित वर्गों के बच्चे और कमजोर वर्गों के बच्चे जो आ रहे हैं, वो प्राथमिक शिक्षा पूरी करके जाएँ, उनको बीच में किसी भी तरह का व्यवधान ना आने पाए। निश्चित रूप से जो भेदभाव के प्रकार हम देखते हैं वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर या स्थान विशेष के आधार पर, उन सब के प्रभाव से मुक्त हुए हमको उनको शिक्षा प्रदान करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यालय प्रबंधन समिति की निगरानी के लिए वो ये है कि ये निगरानी करना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी गैर नामांकित तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में उम्र उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती हो। ये बहुत बड़ा एक, मतलब इस व्यक्तिगत रूप से मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे समाज के बहुत सारे वर्गों में किसी न किसी कारण से जो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं या किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनको वापस स्कूल में लाएं, न सिर्फ स्कूल में लाएं बल्कि उनको उम्र उपयुक्त प्रवेश यानी एज अप्रोप्रिएट क्लास में उनको भेजें, और जब उनको उम्र उपयुक्त कक्षा में भेजें
तो उस समय ये तय करें कि उनको उस कक्षा में सर्वाइव करने के लिए उनको उनको एक विशेष प्रशिक्षण की जो ज़रूरत है वो प्रदान की जाए, उसको इंश्योर करे विद्यालय, ताकि वो जो अधिगम है अधिगम में वो सारे अन्य बच्चों के साथ एट पार आ सके। उसको हम लोग इस तरह से भी अगर कहें कि उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उनकी आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता है, उसके अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करें और उनको जोड़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षा में विकलांग बच्चों की पहचान, नामांकन और भागीदारी की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हों। तो इसमें पहचान के साथ साथ पहले तो उनको समुदाय में जाना है, समाज में जाना है, उनकी पहचान करना है, पहचान करने के बाद उनको विद्यालय में लेकर के आना है और उनका नामांकन कराना है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है, नामांकन के बाद उन बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना है उस विद्यालय में। और ये भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको ये देखना है कि चूँकि वो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय प्रदान कर पा रहा है या नहीं, और ये सुविधाएं उनको प्रदान की जाए तभी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन सुविधाओं में हम कह सकते हैं कि जो आधारभूत संरचना है बिल्कुल जी हाँ, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी ऐसी बनाई जाए कि उस सब पहुँच में हो, कक्षाएँ जी, उनका प्रवेश द्वार वगैरह जी जी, और जहाँ तक शैक्षणिक और पाठ सहगामी क्रियाएं हैं जी, उनका आयोजन भी ऐसा हो कि उसमें भी वो महसूस कर सकें कि वो भागीदारी कर पा रहे हैं जी। तो ये जो इंक्लूसिव की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा जी, की जी, 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 उसका एक रूप उसमें प्रतिबिंबित हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा जो विद्यालय प्रबंधन समिति का काम है वो ये है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बाल अधिकार, जो भी बच्चों के अधिकार हैं वो बाल अधिकार, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, किसी भी तरह का उत्पीड़न जो है वो बच्चे का ना होने पाए, निष्कासन पर रोक लगाने के संबंध में अधिकार, निष्कासित नहीं किया जा सकता बच्चा और वो उसका अधिकार है, अब शिक्षा उसका अधिकार है, किसी भी समय प्रवेश का प्रावधान राउंड द ईयर, अगर उसको एडमिशन है तो उसको देना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम तिथि नहीं है जी, अंतिम तिथि नहीं है, आप नहीं जा सकते। हाँ। तो ये जो बातें कही मैंने कि जो उनके बाल अधिकार हैं, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, निष्कासन पर रोक, किसी भी समय प्रवेश का प्रावधान, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का ये दायित्व है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये सारे जो बिंदु हैं इनका यथार्थता के साथ पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो ड्रेस वर्दी है, पाठ्य पुस्तकें हैं, मध्याह्न भोजन है आदि को समय पर प्रदान किया जाता है कि नहीं, ये भी देखना, इसकी भी निगरानी करना उनका दायित्व है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर विद्यालय प्रबंधन समिति को कोई विचलन नजर आता है तो वो तुरंत प्रधानाध्यापक के संज्ञान में लाए और इसको इस पर उपयुक्त एक्शन लेने की जरूरत महसूस करें। और अगर विद्यालय प्रबंधन समिति को ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं हैं इस तरह की वो लगातार हो रही हैं, तो विद्यालय प्रबंधन समिति का ये दायित्व तो है कि स्थानीय जो प्राधिकरण है, लोकल अथॉरिटी है, उसके संज्ञान में उसे लाया जाए। इसके अलावा जो अन्य बात है वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के रखरखाव की निगरानी सुनिश्चित करना। जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो प्रारूप है उसका विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें देखा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, और ये था कि विद्यालय के लिए मानक परिभाषित किए गए हैं। और ये जो मानक, अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद विद्यालयों के लिए उन मानकों के परिभाषित होने के बाद अब ये गुंजाइश नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी विद्यालय उस मानक के बाहर अपने आप को ले जा सके। तो उससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि एक अनुरूपता जो है वो पूरे देश में आने की संभावना हुई। तो विद्यालय प्रबंधन समिति को ये दायित्व तो दिया गया, ये कहा गया, उसे आकांक्षा रखी गई कि जितने विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में जो भी निर्दिष्ट मानदंड और मानक हैं उन मानकों के रख रखाव की निगरानी सुनिश्चित करे। निश्चित रूप से हम भी आप हमारे शिक्षार्थी भी आजकल देखते होंगे दैनिक समाचार पत्रों में कि स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने
निरीक्षण के दौरान पाया कि मानकों के अनुरूप नहीं है व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं वो मानक निर्दिष्ट मानदंड हैं जिनके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय को उस स्तर तक लाया जाए। जी, ये होना बहुत अच्छी बात है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जो अगले दायित्व तय किए गए देखे गए वो ये था कि यह निगरानी रखना कि शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य शैक्षिक गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ में ना हो। और मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि बीच में देखा गया था कि किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्य है उसमें खास करके प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की का दायित्व ज़्यादा निर्वहन करना पड़ता था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 में चार बातें लिखी गई, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, जनगणना और राहत आपदा प्रबंधन के अलावा किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक जो दायित्व हैं उनमें शिक्षकों के ऊपर उसका कोई दबाव ना हो और इस बात को इंश्योर करना विद्यालय प्रबंधन समिति का एक कार्य होगा। कहीं ना कहीं शिक्षाविदों के मस्तिष्क में, उनके संज्ञान में ये बात है कि जो शिक्षण का कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है जी, उसकी तैयारी करनी होती है, उसके बारे में सोचना होता है। बिल्कुल। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि वो शिक्षक हमारा अधिकांश समय विद्यालय की कार्यवाही में, विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होकर के बिल्कुल सहभागिता करें। जी बिल्कुल। और अगर इन जिनकी चर्चा आपने की जी, जो डिफाइंड हैं उन्हें उसी में लगाया जाए बिल्कुल, और कहीं भी गैर शैक्षणिक कार्य में आसानी से उपलब्ध हैं, गाँव पर उपलब्ध हैं, उनको ले जाना, थोड़ा सा ये इस अधिकार अधिनियम के माध्यम से लागू किया जाना सराहनीय पहल है शिक्षा शिक्षकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज इस प्रक्रिया में आगे विद्यालय प्रबंधन समिति को यह भी सुनिश्चित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24A के अनुसार शिक्षकों की उपस्थिति में नियमितता और समय का पालन करें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें देखा गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति को ये दायित्व दिया गया, देखिए कि विद्यालय में जो उनकी उपस्थिति है, शिक्षकों की उपस्थिति वो नियमित है या नहीं, एक, और दूसरा नियमित है और समय का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। नियमित तो है लेकिन समय का ध्यान भी रखना उसमें ज़रूरी होगा। जी, कहीं ना कहीं समय सारणी है जी, तो उसका अनुपालन हो रहा या नहीं, नहीं, ये भी उनकी निगरानी में आता है। जी, इसके अलावा धारा 24E के अनुसार बच्चे की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित बैठकें शिक्षक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखना विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारा आप दोनों लोग परिचित हैं इस बात से, बहुत ज़रूरी थी, धारा 28 में उसका प्राविधान किया गया कि कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार के निजी ट्यूशन में संलग्न ना हो। ये महत्वपूर्ण भूमिका है जी, इसको ध्यान में रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति इस विद्यालय के प्रबंधन में उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आपने चर्चा के दौरान ये बात रखी कि विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को अवगत कराया जाए, बाकायदे उसकी औपचारिक बैठक हो। बिल्कुल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये बात उल्लिखित की गई जी, क्योंकि होता ये है कि माता पिता ने विद्यालय में विद्यार्थियों को भेजा जी, उनका रिजल्ट आया, उनको लेकर के वो घर आ गया जी, उस परिणाम पर कभी चर्चा शिक्षक और अभिभावक के बीच में औपचारिक रूप से नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये प्रावधान करना कि परिणाम आने के बाद एक बार विद्यालय पहुंचना है अभिभावक को और शिक्षक से चर्चा होगी कि हाँ बच्चे की ये शैक्षिक प्रगति है जी, और आखिर इस विषय में थोड़ा और आपको मेहनत करना है, हमने इस तरीके से ये घर पर, तो ये जो माहौल बनेगा जी, तो औपचारिक रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति देख रही है निगरानी, लेकिन वो भी गाँव के ही लोग हैं जी, तो उनको लगेगा कि जब गांव के ही लोग इतना चिंतित हैं जी, तो हम भी अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर एक निगाह रखें। बिल्कुल। तो जब माता पिता का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन हमको विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। भाई हमने नामांकन, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि नामांकन में जो प्रगति हुई है
वो सराहनीय है। बच्चे, अधिकांश बच्चे विद्यालय पहुंच गए हैं। अब प्राथमिक विद्यालयों की आप उपलब्धता देखें तो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, बिल्कुल जी, और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति पर दी गई है। इनफैक्ट पूरी विद्यालय प्रबंधन की पूरी सफलता, विद्यालय की पूरी सफलता जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति पर ही मैं एक तरह से इसको देखता हूँ जी। तो आज की परिचर्चा में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, और मैं अपने शिक्षार्थियों से एक निवेदन भी करूँगा कि वो जहाँ पर भी कार्यरत हैं वो अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को जानें और उसमें ये देखें कि वो कितनी सक्रियता से जो दायित्व उसको सौंपे गए हैं उसके अनुरूप कार्य कर रही है। उसको जानना, समझना और उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज की इस परिचर्चा में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी का इतना ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। क्यों मिलता।